अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ये चर्चा भी तेज हो गई है कि मंदिर कब तक बन जाएगा, इस पर कितना खर्च आएगा और ये पैसा कहां से आएगा। गली, नुक्कड़, चौपाल और पान की दुकान पर इसी विषय पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद तो यही चाहते थे, जितनी राम मंदिर की चर्चा होगी उतना ही माहौल राममय बनेगा। बीहिप और बीजेपी की नजर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है, इसीलिए भक्त की अलख जगाने और लोगों को एकजुट करने के लिए 10 करोड़ परिवारों से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए का चंदा जुटाने की योजना है। क्या भारतीय जनता पार्टी माहौल को राममय कर पाएगी, 5000 करोड़ का चंदा जुट पाएगा, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की योजना अगले 4 सालों तक विभिन्न कार्यक्रमों के सहारे जनता के बीच मंदिर के उन्माद को बनाए रखने की है। मंदिर के निर्माण का काम अगले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरा हो जाएगा। इसका पहला चरण यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले पूरा होने की उम्मीद है। तब तक देश में किसी न किसी बहाने राम नाम की धुन गूंजती रहेगी। राम मंदिर के शिल्पकार गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा ने मंदिर के पहले के मॉडल पर निर्माण की लागत 100 करोड़ आकी थी। अब मंदिर की ऊंचाई बढ़ गई है, ये और ज्यादा भव्य और विशाल होगा, तब इसकी लागत भी बढ़ेगी, इस बीच महंगाई भी बढ़ जाएगी। इस तरह कम से कम 300 करोड़ के खर्च का अनुमान मंदिर के निर्माण पर किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए 300 करोड़ जुटाए जा सके, इसके लिए माहौल को राममय बनाना होगा। योजना है भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों के घर घर जाएं, हर घर से 11-11 रुपए का चंदा मांगे, इस तरह राम मंदिर के लिए जन सहयोग से 5000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसी तरह 1989 में भी राम मंदिर आंदोलन के समय बिहिप ने देश भर में मंदिर के नाम पर 100 रुपए का चंदा लिया था। फिलहाल जनता से आर्थिक सहयोग लेने की प्रक्रिया अगले 3 सालों तक जारी रहेगी। बिहिप की योजना देश के 2,75,000 गांवों में राम मंदिर प्रतिमा स्थापित करने की भी है। जिन गांवों में मंदिर नहीं होगा वहां जन सहयोग के साथ राम मंदिर भी बनाया जाएगा। बिहिप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान राम प्रतिमाओं की स्थापना करेंगे। इसके लिए एक ही मॉडल की प्रतिमाएं बनवाई जाएंगी। गांव में राम प्रतिमा की स्थापना के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि पूरे माहौल को राममय किया जा सके। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग के साथ बड़े पैमाने पर सोना और चांदी की शिलाएं भी दान में मिल रही हैं। निखिल तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और महावीर मंदिर पटना ने राम मंदिर के गर्भगृह को सोने से मढ़ने की बात कही है, इसके लिए वो 10 करोड़ देंगे। अभी महावीर मंदिर पटना ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, शिवसेना ने 1 करोड़ दिया है, कथावाचक मुरारी बापू ने 11 करोड़ देने का ऐलान किया है। तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट और अन्य धार्मिक संस्थाएं भी आर्थिक सहयोग देंगी। इस बीच MIT पुणे
के छात्रों ने भी 21 करोड़ रुपए एकत्र कर देने की बात कही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 1 क्विंटल सोना चांदी और 1 लाख का चेक ट्रस्ट को सौंपा है। मणि राम दास छावनी के पुजारी दिवंगत बजरंग दास ने भी 40 किलो के चांदी के ईंटें दान की थी। ये ईंटें भी ट्रस्ट को दे दी गई हैं। अब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में 42 करोड़ से अधिक रुपए जमा हो चुके हैं। रामलला के खाते में 12 करोड़ रुपए पहले से ही थे। ट्रस्ट बनने के बाद करीब 30 करोड़ का दान आ चुका है। यह तो अभी शुरुआत है, जल्द ही मंदिर ट्रस्ट अरबपति हो जाएगा। मतलब साफ है, भव्य राम मंदिर के निर्माण में धन की कोई कमी नहीं आएगी। सोने से दमकता हुआ होगा राम मंदिर। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।